A very warm welcome and humble greetings to the viewers of News Divine. I am Rakesh Mutreja, your companion in this beautiful journey through the divine tidings of the Nirankari mission that took place in the month of November 2014. Namaskar, Dhan Nirankar. दोस्तों, जब कोई एक खूबसूरत लम्हा बीतता है तो वैसे ही और हसीन लम्हों की इंतज़ार शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही दिव्य आनंद देने वाले लम्हे सभी को निरंकारी संत समागम पर महसूस होते हैं। एक वार्षिक समागम संपन्न होते ही अगले पड़ाव की प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ, निरंकारी संत समागम के 67वें सोपान पर प्रमुख रूप से केंद्रित समाचारों के साथ साथ निरंकारी जगत की अन्य सभी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पर पहले मुख्य समाचार, हेडलाइंस ऑफ द मंथ। 67th एनुअल निरंकारी संत समागम, मिशन ओवरसीज, एसएनसीएफ डायरी एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, पिछले एपिसोड में किया अपने वादे को पूरा करने का समय आ गया है। वी प्रॉमिस्ड यू दैट वी शैल ब्रिंग अ ब्रीफ पैनोरामा ऑफ द ब्लिसफुल मोमेंट्स ऑफ द 67th समागम हेल्ड इन दिल्ली ऑन द 15th, 16th एंड 17th ऑफ नवंबर 2014। कैरिंग आउट द प्रॉमिस, वी प्रेजेंट टू यू दिस कैप्सूल रिपोर्ट ऑफ द एनुअल समागम। होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ विविड रिकलेक्शन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन मोमेंट्स इन अर्थ। A short report on the 67th Samagam by a team of our special correspondents including Avneet, Mukta, Deepak, Kusum, Ritu, Preet Sahi and Ashish. भक्ति के यथार्थ मार्ग पर अपने विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए लाखों हरि भक्त हर वर्ष दिल्ली में बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम का हिस्सा बनते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की मुस्कान और उनके पावन दर्शन पाकर श्रद्धालुओं के मन में एक ऐसी पवित्र ऊर्जा जन्म लेती है जो विश्व के कोने कोने में एकत्व की महक बनकर दुनिया को गुलजार करती रहती है। जिस महायज्ञ की सभी को तीव्र प्रतीक्षा रहती है, वो वार्षिक संत समागम अपने 67वें सोपान के साथ समस्त मानवता का स्वागत कर रहा था। 15, 16 और 17 नवंबर 2014 को देश विदेश से आए इस विशाल मानव परिवार में कई भाषाओं, कई पहरावों, कई संस्कृतियों और कई धर्मों का सम्मिलन हुआ। इसलिए इस उत्सव का मूल संदेश रखा गया एकत्व से सद्भाव, यानी हार्मनी इन वननेस। इस वर्ष समागम के हर पहलू में ममतामयी निरंकारी राज माता जी के अद्भुत जीवन से सभी ने प्रेरणा पाई। We welcome all of you to the 67th Nirankari Sant Samagam. Namaskar, Dhan Nirankar. Samagam ki opening ho chuki hai. Aap dekh sakte hain, Baba ji ka agman bhi ho chuka hai. Aur isse sundar nazara oneness ka dekhne ko nahi mil sakta. Ki vibhin bhashaein hain, vibhin kapde hain, vibhin chehre hain. Lekin maksad ek hai, oneness ka. Sab mil jul kar ek hi didar mein baithe hain, wo hai Sadgur ka didar. Dekh sakte hain, Baba ji wahan se enter kar rahe hain aur puri satsangat ko aashirwad dete hue सत्संग पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं और एक स्वागतम गीत का मधुर स्वर भी हमारे कानों में पड़ रहा है। इससे प्यारा नज़ारा हार्मनी इन वननेस का देखने को मिल ही नहीं सकता। हार्मनी इन वननेस जो इस बार की थीम भी है, अभी अभी हमने देखा हुजूर बाबा जी परम पूज्य माता जी हमारे मेन गेट से होते हुए पंडाल की ओर बढ़े और ये आगमन बहुत ही पावन था क्योंकि दूर दूर से संगतें आई हुई थी। इन तीनों दिनों में हम कोशिश करेंगे आपको इन चारों ग्राउंड्स के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाएँ। हम वो सारे हिस्से आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से संगतें आकर यहाँ पर सेवाएं कर रही हैं। वो नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। 67वें समागम की विधिवत शुरुआत हुई सदगुरु बाबा जी के विश्व के नाम संदेश के साथ। साथ संगत, करीब एक बरस के बाद इन्हीं मैदानों में जहाँ पर बरसों बरस ये सालाना संत समागम का आयोजन हो रहा है, 67वां संत समागम है ये और 66 बार पहले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मैदानों में इसके आयोजन होते आए हैं।
इसके बाद समागम के पहले दिन अनेक भाषाओं और शैलियों में सत्य के संदेश से मानव को जागृत करने का प्रयास चलता रहा। निरंकारी राजमाता जी का एक स्लोगन था जो एग्जीबिशन में भी लगा हुआ है, जिस घर में बेटी दुखी है उस घर से कला क्लेश नहीं जा सकता, जिस घर में माँ दुखी है उस घर से बीमारी नहीं जा सकती, जिस घर में बहू दुखी है उस घर से गरीबी नहीं जा सकती, चाहे लाखों लाखों रुपया लेकर आए छिन्न भिन्न हो जाएगा। नारी का अपमान पूरे विश्व का अपमान। निरंकारी राजमाता जी ने पूरा जीवन नारी का उत्थान, नारी का सम्मान, मानवता का उत्थान, मानवता का सम्मान करने के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। पैगाम है सतगुरी दा, सब दा सत्कारी करो। पैगाम है सतगुरी दा, सब दा सत्कारी करो। खटके तकरारानू सब दे नल प्यार करो। पैगाम है सतगुरी दा। समागम के पहले ही दिन श्रीमती किरण मेहरा ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल श्री बन की मून का मिशन के नाम संदेश भी पढ़कर सुनाया। इसी दिन सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा महात्मा गांधी अवार्ड 2013 से सम्मानित किया, जो सारे ही निरंकारी परिवार के लिए गौरव का विषय रहा। सड़सठवें निरंकारी संघ समागम का आज पहला दिन है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं। अंदर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और ये बिल्कुल गलत नहीं है यहाँ कहना कि यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। यहाँ सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है और सबके दिल में एकत्व का भाव है। अभी इन बातों को, इन पंक्तियों को मैं यथार्थ रूप में आप तक लाऊंगी और आप तक ऐसे ऐसे लोगों की बात पहुंचाऊंगी जो अपने दिलों की बात भले ही अलग अलग भाषा में कहेंगे, लेकिन सबके कहने का मंतव्य, उद्देश्य, मकसद एक ही होगा। Well, the Nirankari Mission is doing everything that is under the umbrella of the values of the United Nations. United Nations stands for peace, for development, for human rights, and everything that the Nirankari Mission is doing exactly that. They are making sure that people have enough in the world. They are trying to make a difference so that the underprivileged can finally reach a level that they can feel they can live in dignity. And I think that all that leads to eradicating poverty, all that leads to making the world a better place, and that is what the United Nations wants. आप जानते हैं कि गांधी ग्लोबल फैमिली जो जिसकी बुनियाद जो है वो निर्मला देशपांडे जी ने रखी, वो मैं समझता हूँ कि फॉलोअर थे इस निरंकार मिशन के, और उनका सपना था कि ये मिशन जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, और इसको जितना जो है वो वॉलंटियर्स भेजे जाएं वो काम है इस साइड, और जितना रिस्पेक्ट दी जाए इतनी काम है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लास्ट ईयर जो है वो महात्मा गांधी मेडल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, और वो ये जो अवार्ड जो होते हैं ये पीस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स काम करते हैं उनको हम देते हैं। लेकिन दो तीन जो सेक्टर में जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में जो है वो अनपैरेलल काम इन्होंने जो ब्लड डोनेशंस का काम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जो पूरी दुनिया के डिवोटीज जहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने आज जो संदेश जो है वो यूएनओ का, हमारी जो डायरेक्टर हैं जो यूएनओ की, यूएनआईसी की, जिन्होंने एक विस्तार के साथ जो है वो आपके साथ डिटेल में बात की, और उन्होंने भी तहिया किया हुआ है कि फ्यूचर में कोलैबोरेशन में जो है वो संत निरंकारी मिशन के साथ भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे विद नरेश वर्मा, President, Manufacturer Association, Faridabad. So it's a great privilege for us, sir, that you have come here. आप यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सब देख? मैं कहूँगा ये अद्भुत लग रहा है,
क्योंकि बाहर से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने सारे लोग और ये सब इतना सुचारू रूप से हो रहा होगा। अंदर आने के बाद मतलब मेरे इमेजिनेशन से बाहर है जो मैं देख रहा हूँ। रियली इट्स ए वंडरफुल फॉर मी, और ऐसा नज़ारा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कुंभ के मेले भी देखे हैं, और वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद लगा कि मतलब एक अलग संसार। पूरे भारत के दर्शन हुए, पूरे भारत के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और इतनी डिसिप्लिन से जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, वो आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनने वाला है, वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं स्टेज से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर खड़ी हूँ, और यहाँ भी मानव परिवार का एक और रूप आपको दिखाई देगा। लाखों की तादाद में जो संत महात्मा यहाँ निरंकारी संत समागम में हाजिरी लगवाने आए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवाओं के चलते या दूरी के चलते पंडाल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन्हीं की सुविधा के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से अनमोल वचन आ रहे हैं। इन एक एक शब्दों को अपने हृदय में संजो कर ले जाने की ख्वाहिश लिए आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा मानव परिवार यहाँ भी मौजूद है। अनेकता में एकता का सुंदर स्वरूप, जहाँ पर आप सभी मिल बैठकर मानवता इंसानियत को मजबूती देने के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, शुभकामनाएं भी कर रहे हैं, और आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। मिशन जो योगदान दे रहा है समाज को, मानवता को, देश को, इसकी आपने आज भी यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट देखी, एक सराहना जो अनेकों पहलुओं से या अनेकों तरफ से हो रही है, जो ग्लोबल, जो गांधी ग्लोबल फैमिली के द्वारा जो अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर जो उन्होंने दास को सम्मान दिया, यानी कि मिशन को सम्मान दिया, उन उसूलों को सम्मान दिया जो मानवता इंसानियत लव कंपैशन टॉलरेंस के ऊपर आधारित है, तो वो भी आपने देखा। उन्होंने महसूस किया कि वाकई ही मिशन ये योगदान दे रहा है समाज को, मानवता को, देश को मजबूत करने के लिए। समागम का दूसरा दिन और दूसरे दिन यहाँ सेवा दल रैली का आयोजन, लाखों की तादाद में पूरे विश्व में निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं इस वक्त सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आगमन हो चुका है। कुछ कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन होगा, सेवा दल के जवान अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त करेंगे। वो किस रूप में होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप जुड़े रहिए न्यूज रिवाइन के साथ। समागम पर सेवा दल व मिशन के अन्य कई अनुयायियों द्वारा अनेक प्रकार के निष्काम योगदान दिए गए। इस समय मैं रात के 3 बजे लंगर ग्राउंड में खड़ा हूं, जहां पर सैकड़ों बहनें आप हजारों महापुरुषों के लिए लंगर को तैयार कर रहे हैं। हर समय यहां पर लंगर में सेवाएं चलती रहती हैं। ये जवान सेवा कर रहे हैं 3 बजे, रात के 3 बजे की उठकर। ये जज्बा ऐसे है कि जैसे हम मानवता की, रब की सेवा कर रहे हैं, तो बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गुरु ने जो हमें ये जज्बा दिया है, ये इसी का फलस्वरूप है जो हम इस उम्र में भी अपने आप को ये नौजवान महसूस करते हैं, बूढ़े नहीं महसूस करते हैं। तो बाबा जी कृपा करे, ये जो आपने मिशन में सेवा दी है, ऐसे ही बरकरार रहे और हम सेवा करते रहें। हमें पूरा आनंद आ रहा है यहाँ पे सेवा करके, किसी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। और इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं, और सुबह 6 बजे तक तो हमारी यूनिट की यहाँ एंट्री पे सेवा है। उसके बाद में फिर जिस हिसाब से टाइम टेबल बना हुआ है, यूनिट के जवान चेंज हो जाते हैं।
समागम की पवित्र नगरी के रिहायशी टेंटों का ये वो चौराहा है जहां सुबह से लेकर रात तक सेवा दल के जवान लगे रहते हैं ताकि जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह के यहां के आयोजन किए गए हैं उनमें परेशानी नहीं आए। इस वक्त मेरे साथ मंडी गोविंदगढ़ के महात्मा मौजूद हैं जो यहां दिन रात लगातार सेवा कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप यहां समागम अटेंड करने आए हैं लेकिन पिछले 8 घंटों से आप यहां ड्यूटी कर रहे हैं, संगत हॉल तक आप जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मन में मलाल नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मलाल नहीं है हमारे मन में। जो हमें ड्यूटी मिली हुई है, जो सेवा का मौका मिला है, जो हमारी खुशनसीबी है, ऐसे समय हमारी ज़िंदगी में बने रहें। सत्संग तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, जहाँ संगत भी करते हैं, जहाँ भी हमारी हाजी लग रही है, लेकिन जो हुक्म है उसके मुताबिक हमें जो सेवा मिली हुई है हम सेवा करते रहेंगे और कर रहे हैं। विश्व में लाखों की संख्या में फैले निरंकारी सेवा दल का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवादारों को संबोधित करते हुए सद्गुरु बाबा जी ने कहा, सेवा दल की रैली में अपनी एक अकीदत पेश की जा रही थी और यही प्रार्थना की जा रही थी कि हम भी हमारे में भी वही जज्बे बने रहें, हम भी नतमस्तक रहें, हम भी हमेशा विनम्र भाव रहे और हम गुरसिखों का आदर सत्कार करते हुए सेवा करें। रैली के तुरंत बाद दूसरे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया जहां एक बार फिर विविधता में एकता का जीवंत रूप देखने को मिला। इस दिन तो वर्ष 2014 के नोबल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने भी अपने भाव सात संगत के साथ साझा किए। मैं इसे परमात्मा का वरदान मानूंगा, ईश्वर की कृपा मानूंगा, मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला, ये ईश्वर की कृपा है। आप तो बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए सेवा के कार्यक्रम चलाते हैं, शिक्षा के कार्यक्रम चलाते हैं, मैं जानता हूँ, स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाते हैं। करुणा जो मुझे आपसे जोड़ती है, मुझे आपसे जोड़ती है, सबको एक दूसरे से जोड़ने वाला जो तत्व है वो करुणा है। सारे धर्म करुणा से पैदा हुए, सारे धर्म गुरु करुणा से उपजे, सारी धार्मिक पुस्तकें करुणा की लिपि हैं, सारी क्रांतियाँ करुणा के कारण हुई। कहीं अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे की आवाज़ आपको पुकार रही है, कहीं आपको लगता है कि उसकी आंखें आपकी तरफ निहार रही हैं, कहीं आपको लगता है कि वो बोल नहीं सक रहा है, बोल नहीं सक रही है, लेकिन तब भी आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आगे बढ़ के करो और अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने दो। मानव की कद्र करें दिल से, मानवता खिल उठे फिर से, हार्मनी इन वननेस। ये संदेश देता निरंकारी संत समागम जिसका आज दूसरा दिन है। सुबह आपने सेवा दल रैली के दौरान सेवा दल के जवानों का जज्बा देखा था और इस वक्त मेरे ठीक पीछे सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है जहां अनेकों गीतकार, वक्ता और कवि अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी श्रद्धा सदगुरु के समक्ष रख रहे हैं, यहाँ आए हुई सात संगत के समक्ष रख रहे हैं। मांग ले जो कभी दूसरों के लिए जी, फिर दुआओं में देखे असर, असर आदमी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कब तलक उसको राजन संभाले कोई, भूल जाए जो अपना ही घर। क्या क्या बात है भाई, क्या बात है। हटाते नहीं बिकदा is not just a concept, it is not just a word, it is a state of being which has to begin with oneself. Until you are not one with yourself, until you are not in tune with yourself, until you are not completely content with the image that you project, oneness is only a dream. दूसरे दिन सतगुरु बाबा जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से सभी को जागृत व प्रेरित किया। वसुधैव कुटुंबकम,
ये पंक्तियाँ तो हम अरसे से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस धरती पे बसने वाली वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम लोगों को हम एक कुटुंब का हिस्सा नहीं मानते हैं। हमारी अपनी अपनी बिरादरियाँ, हमारे अपनी अपनी कौमें, हमारे अपने अपने ऐसे स्वरूप बनकर रह गए हैं, अपनी जातियाँ, अपने मज़हब, मज़ो मिल्लत की दीवारें इस कदर हमने खड़ी कर ली हैं। कहाँ पर कुटुंब, इस वसुधा पे बसने वाला एक कुटुंब है। अभी हमने देखा वो सेक्शन जहाँ पर अगर आप आएं तो आपकी उम्र जो भी हो आप बच्चों जैसा ही महसूस करेंगे, और उस लाइन के मायने भी समझ में आते हैं कि बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। मैं अवनीत, न्यूज़ डिवाइन टीम के लिए कैमरामैन सनी के साथ समागम ग्राउंड दिल्ली से। लगभग 500 गज का एरिया है निरंकारी एग्जीबिशन का, जो हर साल होने वाले निरंकारी संत समागम में एक खासा आकर्षण का केंद्र होती है। निरंकारी एग्जीबिशन में निरंकारी मिशन के इतिहास को बहुत ही खूबसूरती से चित्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है। और पिछले 42 साल से कुलदीप जी संयोजक हैं निरंकारी एग्जीबिशन के। कुलदीप जी, इस बार क्या खास और क्या नया है एग्जीबिशन में? इस बार हमने एग्जीबिशन तो हर वर्ष ही लगती है, हर बार नयापन होता है, लेकिन इस बार हमने ज़्यादा निरंकारी राजमाता जी को हाईलाइट किया है, उनके सेवाओं को चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास किया है, और हमने स्पेशल उनका एक कैबिन 15 बोर्ड का बनाया है जिसमें राजमाता जी की पूरी शादी से लेकर बचपन से लेकर पूरी हिस्ट्री दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने समाज को जो देन दी है वो भी चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। वैसे तो पूरी एग्जीबिशन में निरंकारी राजमाता जी दिखाई देंगे, लेकिन सेपरेट अलग से उनको हमने एक 15 बोर्ड का कैबिन डेडिकेट किया। At the 67th Nirankari Sant Samagam, and at this Samagam there are people in the millions from all across the world, and amongst these millions there are also thousands of saints who have come from different corners of the world to take Babaji's blessings and enjoy the blissful environment of this year's Samagam. Let's talk to some of these saints from abroad. My name is Jack Avrani. I have come from Dubai. We are about 250 saints who have come from Dubai, United Arab Emirates, to attend this Samagam. And we have saints from other countries like USA, Canada, Australia, New Zealand, Lebanon, and all other Gulf countries, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Kuwait, all over the world. And we are here to witness and be a part of this universal family, universal brotherhood. My name is Satnam Rupra. I am from Toronto, Canada. Das Pramod Yadav, Dubai se. My name is Sunny. I'm from Melbourne, Australia. And we are enjoying the bliss this year again in the Samagam. Hi, I'm Ashta and I'm from Australia. Well, first of all, I'm just going to tell you, I'm from Melbourne. And in Melbourne, we have different things that happen in the same time. Like, suppose we have Bal Sangha that teaches, and over there I contribute and finish all my homework, and just to come here and get the bliss of Nirankari. Samagam ka teesra din bhi usi adhyatmik aabha ke saath shuru hua, jiska vivran desh videsh ke anek samachar patra va news channels nirantar de rahe the. इस दिन का विशेष आकर्षण हर बार की तरह कवि दरबार रहा। समदृष्टि शुभकर्मा वाला जिसका भी किरदार बनेगा उसका हाँ। जीवन अपने आप ही सबना लई सत्कार बनेगा, प्रचार बनेगा जी जी, और एके दी उम्मीद है बन दी खत्म होन जद मनो दीवारा। हाँ हाँ, एके दी उम्मीद है बनदी खत्म होन जद मनो दीवारा, मिलन जदों सब खुशियां अंदर
साथी जी फिर बसंत बहार बने, फिर बसंत बहार बहुत अच्छे। ना बिन धागा के हार बनेगा, ना सेतु बिना आधार बनेगा, ना प्रेम बिना कोई रिश्ता नाता, बिन गुरु न सदव्यवहार बनेगा। जी जी वाह वाह। एक को जाने एक को माने, तब ही एक विचार बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। से ही सद्भाव बनेगा, सुंदर ये संसार सुंदर। बांगू नचना करके थैया थैया, करके थैया थैया। हाँ बुले शाद बांगू नचना करके थैया थैया, करके थैया थैया। इश्क तेरे बिच मेरे आसाया, इश्क तेरे बिच मेरे आसाया, मैं कमली हो गई। सानू तकना जावे तेरे प्यार च, बे माया प्यार तेरे प्यार च मैं दीवानी, मैनू नचना जावे तेरे प्यार च मैं दीवानी, मैनू नचना जावे। पिछले दो दिन से समागम का आरंभ भी हुआ, तो राज माता जी को समर्पित उनके योगदानों को याद करते हुए, उनकी देन को याद करते हुए, और दोनों दिन अनेकों अनेकों ने ये जिक्र किए, एक श्रद्धा सुमन समर्पित किए, और आज भी इसी तरह से जो उनकी देन वो याद की जा रही थी, और उससे प्रेरणा हम हमेशा लेते रहें। यही एक अरदास, यही प्रार्थना है जो उन्होंने जी कर दिखाया, उसी का अनुकरण उसी का अनुसरण सभी करते चले जाएं। समागम पर लाखों भक्तों को सद्गुरु बाबा जी के दर्शनों के उस रूप की भी प्रतीक्षा रहती है जिसे हम शोभा यात्रा कहते हैं। यस, द मॉर्निंग प्रोसेशन वॉज वंस अगेन अ मोमेंट टू बिहोल्ड, अ मेमोरी टू चेरिश एंड अ ब्लेसिंग टू फील ब्लिसफुल अबाउट। दो ऑल द पार्टिसिपेटिंग आईज were soaked in the absence of Nirankari Rajmata ji. The volunteers were also portraying the message of the Holy Mother that life must go on in complete surrender to the will of the Almighty God. Milvartan, Sadbhav, Ekatva, Tap Tyag, Prabhu Bhakti va Sumiran, aur na jaane aisi kitni hi shikshaon ka prasad dekar 67va samagam सद्गुरु निरंकार के आशीर्वाद के साथ खुशियों से संपन्न हुआ। दोस्तों अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर से लौटते हैं आपकी सेवा में, कहीं जाइएगा नहीं। फाउंटेन ऑफ वननेस द लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पधारें निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स every Friday, Saturday and Sunday, 7 and 7.30 p.m. Welcome back to News Divine. It is time now to take a look at the news from the overseas branches and their contributions in spreading the gospel of the mission all across the globe. Let's take a look. The Chicago youth took part in a night of volunteering at Feed My Starving Children the day after Thanksgiving. The youth wanted to share their gratitude with those less fortunate. Through service, the youth extended the feeling of bliss experienced through His grace. Feed My Starving Children is a Christian nonprofit organization committed to feeding malnourished children. Through a simple method of an assembly line, volunteers package vitamins, soy, dried vegetables and rice in order to be shipped to various countries in need. The youth truly enjoyed their time working together in a high energy environment towards a selfless goal. At the end of packing, the volunteers got together to clean up their areas. Even the littlest ones grabbed a broom and served with a smile.
Before sending out the packaged meals, the volunteers formed a circle around the boxes and thanked God for the opportunity to do His work and prayed for the health and happiness of His children. Within the course of just 1 hour, the volunteers at Feed My Starving Children packed 119 boxes, which equated to 25,704 meals, which will feed 71 children for 1 year. The youth left with a spring in their step and hope to further spread His love. विदेश के समाचारों के बाद अब समय है निरंकारी मिशन के सामाजिक योगदानों पर नजर डालने का SNCF डायरी में। 67वें समागम पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक विशेष एग्जीबिशन लगाई गई, जहां फाउंडेशन की गतिविधियों को चित्रों व वीडियोस के जरिए आने वाले महानुभावों के साथ शेयर किया गया। चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा अमेरिका, कनाडा व अन्य मुल्कों से लगभग 30 कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की एक टीम को भी निमंत्रण दिया गया, जिन्होंने हजारों भक्तों को रीढ़ की हड्डी व स्नायु तंत्र चिकित्सा के माध्यम से लाभ पहुंचाया। आइए जानते हैं कुछ मरीजों व कुछ डॉक्टर्स के अनुभव। नाम संगीता है, मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पर मेरे को जो ट्रीटमेंट दिया गया, मेरे को सर्वाइकल की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बैक में भी प्रॉब्लम है। उस ट्रीटमेंट देने के बाद आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। Hi, my name is Dr. Ron Oberstein. I'm a chiropractor from San Diego, California. I'm the vice president of the International Chiropractors Association. You know, people ask me, well, why would you go to India, spend that money and lose your income where I could be working at home? But when I read about what His Holiness and the Holy Mother are doing, and I saw on the internet all the charity work and what their purpose and mission is, it touched my heart to a level that I said, this is where I need to come. And I have to say that I've never seen anything like this in the world before. I mean, it's just absolutely incredible to see 1.5 million people working in a way that's so harmonious and so in love that it's just resonated in the air. The thing that I love about this mission, about the selfless acts of service out here that I've seen hundreds of thousands of people out here volunteering their time, sharing what they love to do and sharing their messages of how they want to serve people on the highest level out here with a large number of people 24 hours a day. So it was very special to me, and I love this mission again because it's just on a large scale what I love to do, and that's to serve people and connect. We love the principles and the philosophy of the Nirankari mission, and that it's all inclusive, that it's non-judgmental, and that embraces all people, all religions, for the betterment of mankind. And in its pure form, that is the philosophy and ethos which we embrace, and we're here to share on that level. So it's an honor and a privilege to come and serve, and we're here to help lots and lots of people. The Nirankari mission is the greatest mission I've ever been a part of. The giving and the service, that what I've seen here is incredible. Taking a tour and seeing all the people who volunteer their time, their energy, and their efforts has been just amazing. And I'm behind it 100%, which is why I'm coming back next year. SNCF डायरी से आगे बढ़ने से पूर्व एक और लघु विराम, शीघ्र लौटते हैं। Fountain of Oneness, the Light and Sound Show, देखने के लिए पधारे निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स every Friday, Saturday and Sunday, 7 and 7:30 p.m. Welcome back. अब रुख करते हैं न्यूज डिवाइन के अंतिम सेक्शन का, जो है अन्य समाचार। 8 नवंबर को निरंकारी मिशन के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह के एक विशेष कार्यक्रम में 50 से अधिक जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे सादा रूप में आयोजित इन सांझी शादियों में बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी के पावन आशीर्वाद पाकर सभी परिवार हर्षित थे। इसके अलावा समागम के बाद बाबा जी और पूज्य माता जी की हुजूरी में रविवार्य सत्संग कार्यक्रम व NCR में अन्य सत्संग कार्यक्रम आयोजित होते रहे।
दोस्तों, जहां इस समागम के संपन्न होने पर हृदय में सिमटे आनंद की खुशगवार महक थी, वहीं एक हल्की सी उदासी भी थी कि अब तो यह समागम एक साल बाद ही लौटेगा। पर सदगुरु तो सदा ही अपने भक्तों को निहाल किया करते हैं, है ना? जी हाँ, इसी समागम पर अनाउंस हुआ कि जनवरी 2015 की 23, 24 और 25 तारीख को महाराष्ट्र का समागम खारघर नवी मुंबई क्षेत्र में होगा, और साथ ही आने वाले वर्ष का भक्ति पर समागम भी जनवरी की ही 11 तारीख को दिल्ली में निरंकारी सरोवर के ठीक सामने आयोजित होगा। तो तैयार हो जाइए भक्ति के रस में सराबोर होने के लिए। निरंकारी जगत के इन सभी शुभ समाचारों के बाद अब समय है आप सबसे अनुमति लेने का, इस वादे के साथ कि नए वर्ष में एक नए रूप में यानी जनवरी 2015 में हम आपके लिए वर्ष 2014 पर एक विशेष रिपोर्ट लेकर आएंगे, दिसंबर 2014 की प्रमुख खबरों के साथ साथ। अपने सुझाव व शुभकामनाएं हमें newsdivine@nirankari.org पर भेजना ना भूलिएगा। अंत में दीजिए इजाजत अपने साथी राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।